इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बेहतरीन स्किन मॉइस्चराइजर पे जो आप घर में बना सकते हैं। ये एक प्रूवन फॉर्मूला है, बहुत अरसे तक इसे इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी केमिस्ट्री, जो इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये स्किन के अपने ऑयल से मिलती जुलती है। स्किन पे जो ऑयल आ जाता है इसे सीबम कहते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स ये ऑयल बनाते हैं और ये रेमेडी स्किन को ऑयली नहीं करती है, बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है। स्किन में सॉफ्टनेस आती है, हेल्दी ग्लो आता है। इसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। स्किन हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है और जब कोई चीज स्किन पे लगाई जाती है तो वो डायरेक्टली लिवर से होते हुए बॉडी के अंदर जाती, बॉडी का हिस्सा बन जाती है। और बड़ी हैरानगी होती है इस बात पे कि कैसे लोग मुख्तलिफ तरह के केमिकल लोशंस, मेकअप और बहुत सी चीजें बगैर समझे स्किन पे लगा लेते हैं। इससे स्किन स्क्रब होती है, स्टेरिलाइज हो जाती है, जिससे इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, खारिश होती है, रेड हो जाती है, मजीद ड्राई हो जाती है। और इस ड्राइनेस की वजह से स्किन को यह सिग्नल मिलता है कि ज्यादा ऑयल की जरूरत है। सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा ऑयल बनाने लगते हैं, जो वजह बनता है क्लॉग्ड पोर्स और एक्ने की। इसमें इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि स्टेरिलाइज करने से स्किन पे मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं जो पहले इस इन्फेक्शन को रोक रहे होते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया की तादाद को कंट्रोल में रखते हैं जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन पैदा करते हैं उन्हें। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड को, किसी भी आर्टिफिशियल केमिकल को स्किन पे ना लगाएं, क्योंकि एक तरफ ये स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरी तरफ पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी, नहाने का पानी तक साफ नहीं, सूरज की यूवी रेडिएशन डायरेक्टली स्किन सेल्स को डैमेज करती हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट है डाइट, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। खाने में ज्यादा ट्रांस फैट्स तो नहीं, खाने वाली हर चीज बॉडी का हिस्सा बनती है और स्किन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। कुछ लोग लो फैट डाइट पे चले जाते हैं। हेल्दी फैट्स हेल्दी स्किन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि स्किन प्रोटीन और फैट से मिलकर बनी होती है। और अक्सर जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं फैट्स बिल्कुल खत्म कर देते हैं खाने में से, इवन कीटो डाइट पे भी सिर्फ प्रोटीन ले रहे होते हैं, फैट्स बिल्कुल नहीं खाते। या वो लोग जो सिर्फ प्लांट प्रोटीन्स खा रहे होते हैं, जैसा कि सोया प्रोटीन आइसोलेट, प्लांट सोर्सेस से अपनी प्रोटीन इनटेक पूरी कर रहे होते हैं, एनिमल प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाते, इनकी स्किन पे रिंकल्स जल्दी आते हैं, स्किन एजिंग स्पीड अप हो जाती है क्योंकि इसमें आपको इनफ कोलेजन नहीं मिल रहा, प्रोटीन प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, ओमेगा 3 मिसिंग है जो स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, झुरियां जल्दी आती है, बूढ़े दिखने लगते हैं और सिर्फ स्किन ही नहीं बाल भी मुरझा जाते हैं, ओवरऑल एजिंग स्पीड अप हो जाती है। और अगर जंक फूड खाने के शौकीन, जंक फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, इनमें आर्टिफिशियल कॉर्न शुगर डाली जाती है, MSG शामिल किया जाता है जिसे चाइनीज सॉल्ट कहते हैं, सिंथेटिक कॉर्न स्टार्च शामिल किया जाता है और फिर इन सब चीजों को ऑयल में डीप फ्राई करके खाया जाता है, रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स, सीड ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अनस्टेबल होते हैं। ये ऑयल्स सेल मेम्ब्रेन्स में घुस जाते हैं और 2-3 साल तक यहीं पे मौजूद रहते हैं। इनमें ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 3 कम होता है। ओमेगा 3 ऑयल्स में फिश ऑयल, फ्लैक्स सीड ऑयल, अलसी के बीज, चिया सीड्स ऑयल, सेसमी ऑयल, वॉलनट ऑयल, अखरोट का तेल, इन सब ऑयल्स में ओमेगा 3 ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इनके बरक्स जो मार्केट में कुकिंग ऑयल्स मिल रहे हैं, कनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, ये हाईली प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं। इस प्रोसेसिंग की वजह से इनमें ओमेगा 3 कंटेंट कम हो जाता है। प्रोसेसिंग में एक सॉल्वेंट हेक्सेन शामिल किया जाता है और फिर ओमेगा 6 को बहुत सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स में भी डाला जाता है। जब आप इन्हें डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करते हैं तो इससे स्किन मजीद खराब होती है, जल्दी ड्राई होती है, रिंकल्स आते हैं। फिर इस बात का भी ख्याल रखें कि जो स्किन क्रीम्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अल्कोहल तो मौजूद नहीं, अल्कोहल भी स्किन को ड्राई करती है। पिछले 100 साल के दौरान कुकिंग ऑयल्स का इस्तेमाल 1600% तक बढ़ गया, इवन 20 साल में इनका इस्तेमाल डबल हो गया। मैं तो ये कहूंगा कि आप 30 दिन के लिए ऑयल डिटॉक्स पे जाके देखें, 30 दिन के लिए इन ऑयल्स को हटा दें खाने में से, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बॉडी कितना चेंज होती है। और ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, 1 महीना ज्यादा नहीं है। अब ये चीज क्या है जो स्किन पे लगानी है, ये बीफ टैलो, टैलो लैटिन वर्ड, लातीनी जबान में इसका मतलब है सीबम। सीबम वो ऑयल है जो हमारी बॉडी बनाती है। स्किन पे जो ऑयल आ जाता है ये सेबेशियस ग्लैंड्स में से आता है और ये फैट स्किन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, इन्फ्लेमेशन नहीं करता। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के और सीएलए स्किन में मॉइस्चर को रिटेन रखता है, स्किन की नमी को बरकरार रखता है, इसे ड्राई नहीं होने देता। ये लगता कोकोनट ऑयल की तरह ही है लेकिन कोकोनट ऑयल से मुख्तलिफ है। इससे स्किन और ग्रीजी और ऑयली नहीं होती, स्किन में सॉफ्टनेस आती है, हेल्दी ग्लो आता है और इसमें बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं जो हेल्प करते हैं स्किन के डार्क स्पॉट्स को मिटाने में, रिंकल्स जो झुरियां आ जाती है इन्हें रोकता है। जो फैट की टाइप है इसमें वो है 50% सैचुरेटेड फैट, इसमें ऑलिक एसिड है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, पामेटिक एसिड है जो स्किन को सॉफ्ट करता है, स्टेरिक एसिड है जो स्किन को रिपेयर करता है और इसमें लिनोलिक एसिड है जो कि एक्चुअली ओमेगा 6 है लेकिन ये सिर्फ 2% है, कम मिकदार में। इसे विप टैलो बाम भी कहते हैं। बनाने का तरीका बहुत आसान है। इसमें आधा कप बीफ टैलो, 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल, बादाम का तेल या ऑलिव ऑयल, वैसे तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स ही काफी हैं। इसकी कोई स्मेल नहीं होगी। फ्रेग्रेंस के लिए अगर आप डालना चाहें, ऑप्शनल है, तो रोजमेरी ऑयल डाल सकते हैं। मैं नहीं डालता, खुशबू इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स आंख में चुभते हैं, गलती से अगर आंख में लग जाए। और अगर आप
इन्हें लगा के धूप में निकलें तो स्किन पे खारिश होती है, रैशेज आ सकते हैं। ज्यादा मकदार में ना बनाएं, इस्तेमाल कर लें फिर दोबारा बना लें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। इलेक्ट्रिक विस्कर है तो ये प्रोसेस आसान हो जाएगा, हाथ से भी बन जाएगा। इसमें एक स्टेज आती है जिसमें ये बाम की शक्ल में आ जाता है। मेन इंग्रेडिएंट है बीफ फैट, जो आप लोकल कसाई की दुकान से ले लें। बीफ फैट से बीफ टैलो कैसे बनाना है ये प्रोसेस आप इंटरनेट से सीख सकते हैं, बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन आप रेगुलर केमिकल मॉइस्चराइजर्स की बजाय इस बाम को अपनी स्किन पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें और आप एक बड़ा फर्क देखेंगे। इसमें कोई केमिकल्स नहीं है और ये एक पुराना नुस्खा है जो पहले लोग इस्तेमाल करते थे, अब नहीं करते क्योंकि किसी ने ये आइडिया दिया कि सैचुरेटेड फैट्स बॉडी के लिए बुरे हैं। ऐसा नहीं है, अनसैचुरेटेड फैट्स की जो मकदार हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पुअर क्वालिटी है इन फैट्स की, ये सेहत के लिए बुरे हैं। अब इन दोनों बातों का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएं तो ओमेगा 6 फैट्स को अपनी डाइट से हटा दें और टैलो को स्किन पे इस्तेमाल करें बाजार में मिलने वाली दूसरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स की बजाय, और कुछ ही हफ्तों में आप एक बड़ा फर्क देखेंगे। आप इसे ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।